सबसे पहले। इससे आपकी स्किन, क्योंकि ठंडे पानी से नहा पाना है। हाय एवरीवन, वैसे तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, पर आज मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि किस किस को ठंड पसंद है। मुझे तो इतनी नहीं पसंद है क्योंकि स्किन ड्राई हो जाती है वो अलग, और मुझे ठंडी भी बहुत लगती है। तो मेन रीजन तो ये है कि मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। पर सबसे अच्छी बात क्या है पता है, मुंबई में ठंड होती ही नहीं है। स्टिल विंटर्स में यहाँ स्किन की थोड़ी ज्यादा केयर करनी ही पड़ती है। ठंड नहीं होती है पर स्किन फिर भी ड्राई हो ही जाती है। अब एक्स्ट्रा केयर क्या करनी पड़ती है ये बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि विंटर्स में हमारी स्किन ड्राई क्यों होती है। क्योंकि इस टाइम जो हवा होती है वो कोल्ड होती है, उसमें नमी नहीं होती है, ह्यूमिडिटी कम होती है, और ये हवा हमारी स्किन से नमी को खींच लेती है। अब ऐसे में हम अगर एक्स्ट्रा केयर नहीं करेंगे तो हमारी स्किन ड्राई होगी, इरिटेट होगी और डैमेज भी हो सकती है। मुंबई आने से पहले मैं ठंडे एरिया में भी रही हूँ, जैसे कि जम्मू, अरुणाचल, तो ठंडी भी झेली है मैंने। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक्स्ट्रा केयर क्या करनी चाहिए, जो मैं पहले करती थी और अभी भी करती हूँ विंटर्स में। शुरू करते हैं नहाने से। जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो हमें गर्म पानी से नहाने में बहुत मजा आता है, तो ऐसे में हम 10-15 मिनट नहाते ही रहते हैं। और मैं तो जैसे ही हल्का ठंडा मौसम होता था गर्म पानी से नहा लेती थी। अब भी कभी कभी करती हूँ, पर बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी से हमारे स्किन का प्रोटेक्टेड बैरियर मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन ड्राई होने लगती है। तो ऐसे टाइम पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि ज्यादा गर्म पानी ना हो, एकदम गुनगुनाओ, क्योंकि ठंडे पानी से ना पाना पॉसिबल तो नहीं होगा। और दूसरा आपको ध्यान देना है कि आपको ज्यादा देर गर्म पानी से नहीं नहाना है। अब नहाते टाइम सोप तो सभी यूज करते ही होंगे, पर उनसे भी स्किन बैरियर निकल जाते हैं, तो ऐसे में आप शार क्रीम या फिर क्लेंजिंग लोशन यूज करें, या फिर आप डेली सोप यूज करना अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें। अगर आप चाहें तो आप सोप यूज कर सकते हैं, पर ज्यादा रगड़ो मत, क्योंकि रगड़ने से आपकी स्किन चेंज तो नहीं होगी पर ड्राई जरूर हो सकती है। पहले ठंडियों में मैं रेगुलर सोप या शार जेल अवॉइड करती थी, क्योंकि इससे भी मेरी स्किन ड्राई हो जाती थी। तब मुझे शार क्रीम के बारे में नहीं पता था, और इस बार मैं यही यूज कर रही हूँ तो मेरी स्किन ड्राई नहीं होती है। आप भी चाहें तो सोप या शार जेल की जगह कोई भी शार क्रीम ट्राई कर सकते हैं, देखना आपको भी अच्छा लगेगा। फेस वॉश के लिए कोई क्लेंजर यूज करें। मैं मेकअप वगैरह रिमूव करने टाइम ही वॉश करती हूँ, वरना बस नॉर्मल पानी से वॉश कर लेती हूँ। नहाने के बाद टॉवल से रगड़ के मत पोछो, आराम से सॉफ्ट हैंड से डैब करके ड्राई करो। थोड़ी नमी रहनी चाहिए, इसी पे आप ऑयल या मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। मैं कोकोनट ऑयल हमेशा से यूज करती हूँ, तो नहाने के तुरंत बाद मैं यही लगाती हूँ। गर्मियों में हम दूसरे कपड़े पहनते हैं और ठंड में फुल स्वेटर, जैकेट, वैसे ही हमें अपने मॉइस्चराइजर में भी बदलाव लाना चाहिए। गर्मियों में हम मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाते हैं, वैसे ही ठंडियों में हमें मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगानी चाहिए। और जो ये मॉइस्चराइजर्स होते हैं ये हमारे स्किन का मॉइस्चर लॉस होने से बचाते हैं, ना कि हमारे स्किन में मॉइस्चर डालते हैं। तो इसलिए ठंड में ये जरूरी है कि हम हमारे स्किन का मॉइस्चर लॉस होने से बचाएं। विंटर्स में हमारे सबसे पहले लिप्स, हैंड्स, फीट और फेशियल स्किन ड्राई होती है, तो इन्हें अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करो। फेस पे कोई टोनर, रोज वाटर स्प्रे करो अच्छे से, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाओ। मैं ये बेबी क्रीम लगाती हूँ। ऑयली स्किन वाले इसे ना यूज करें, क्योंकि इसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा थिक है। आपने मुझे ये मेरी पुरानी वीडियोज में यूज करते हुए देखा होगा,
आप चाहें तो कोई भी बेबी क्रीम या मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जो धूप में बैठना ना पसंद करता होगा, तो ऐसे में सनस्क्रीन अप्लाई करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम धूप में ज्यादा बैठते हैं ठंडियों में, तो स्किन डैमेज ना हो इसलिए प्रोटेक्ट करें। दिन भर में बार बार लिप बाम लगाओ, क्योंकि ये इजिली क्रैक हो जाते हैं, तो ड्राई मत होने दो। 3 बार 4 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार हो सके लिप बाम जरूर लगाओ। दिन में अगर मुझे लगता है कि मेरी स्किन ड्राई हो रही है तो मैं मॉइस्चराइजर भी लगा लेती हूँ, स्पेशली हैंड्स एंड फीट पे, और रात में फीट को अच्छे से मॉइस्चराइज करके कवर करके सो जाती हूँ। इससे स्किन सुबह बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और अच्छी फील होती है। और अब ठंडियों के लिए एक फेस मास्क, अगर आप चाहें तो घर में बना के लगा सकते हैं। वैसे मैं फेस पैक ज्यादा नहीं लगाती हूँ, मंथ में 1 या 2 बार ही लगाती हूँ। इसमें 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, योगर्ट, हनी, ओट्स एंड आलमंड्स। आप आलमंड्स की जगह चाहे तो राइस यूज कर सकते हैं। आलमंड्स को रात भर भिगो के रखना है, नेक्स्ट डे इसे पीस लेना है, फिर इसमें योगर्ट एंड हनी मिक्स करना है। ओट्स को भी पीस के पाउडर बना ले और इसमें मिक्स करके पेस्ट बना ले। अब इस पेस्ट को अपने पूरे फेस पे अप्लाई करें। रखें, फिर वॉश कर लें। इससे आपकी स्किन स्मूथ और सॉफ्ट फील होगी। तो ये था मेरा सिंपल एंड इफेक्टिव विंटर स्किन केयर रूटीन। आप लोग फॉलो करके जरूर देखना, आपकी स्किन आपको थैंक यू बोलेगी। इसमें मैंने अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स रखे हैं, तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और जाते जाते अपना प्यार लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके शो करते जाना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय।